बहुत सारे आलू ऐसे अंकुरित हो चुके का हिस्सा मैंने कट कर लिया है, ये देखिए ये ऊपर का हिस्सा कट कर लिया है, इसको भी मैं लगाऊंगी और जो मेरी अंकुरित हुई प्याज है इसको भी मैं लगाऊंगी। देखिए जरूरत नहीं होती है तो देखिए लगाना कैसे है लहसुन को वो देख लीजिए। तो ये देखिए ये आलू मैंने लिए हैं और हमारे जो है आलू लगाने के लिए इस तरह के हमें आलू ले लेने चाहिए, हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, हम किचन में लेके आते हैं। लेकिन जब किचन में लाने के बाद इस तरह से अंकुर हो जाए, ये देखिए कई दिन हम आलू को रखे रहते तो ये अंकुरित होने लग जाते हैं। तो देखिए आलू को आप ऐसे पूरा भी लगा सकते हैं, नहीं तो आधा कट करके जितना आपको ये अंकुरित हो रहा है इतना आधा कट कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने आलू को आधा कट कर लिया, जहाँ से अंकुरित हो रहा था वो हिस्सा मैंने थोड़ा सा ही कट किया है, ज्यादा नहीं किया, और ये आलू मेरे काम आ जाएगा किचन में। तो इसको लगाना कैसे है, देखिए मिट्टी थोड़ी सी हल्की सी हमें खोद लेनी है, जैसे कि मेरी अभी खुदी हुई है, तो इसको हमें ऐसे दबा देना है। ये देखिए इस तरह से हमने दबा देना है और साइड साइड में हल्की हल्की हमें मिट्टी लगा देनी है। मेरे को लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आलू नहीं लगा रही, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ आप इस तरह से आलू को लगा सकते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं लगा लेती, बहुत सारे आलू लगाती। और देखिए मेरे तो किचन में बहुत सारे आलू ऐसे अंकुरित हो चुके हैं। इसके बाद ली है मैंने प्याज, प्याज के ऊपर भी मैंने कुछ पैसा खर्च नहीं किया, ये मैं किचन से ही निकाल के लेके आई हूँ। तो फ्री में हम अपनी सब्जी को जो है लगा सकते हैं। तो देखिए प्याज हमें कैसे लेनी है, सबसे पहले तो अगर आपके पास इस तरह से अंकुरित हुई प्याज है तो आप उसको ले सकते हैं, नहीं तो आपको कैसे लेनी है वो भी मैं दिखाती हूँ। देखिए ये अंकुरित नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इसमें जो है जड़ें बनी हुई है, इसमें जड़ें इस तरह से बनी हुई है, देखिए इसमें भी बनी है और इसमें भी आप देख रहे हैं ये जड़ें बनी है, देखिए छोटी छोटी अंकुरित हो रही है। तो आप इसको पूरा भी इस तरह से लगा सकते हैं और इसको आधा कट करके भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने दोनों प्याज के हिस्से जो है ऊपर का हिस्सा मैंने कट कर लिया है, ये देखिए ये ऊपर का हिस्सा कट कर लिया है, इसको भी मैं लगाऊंगी और जो मेरी अंकुरित हुई प्याज है इसको भी मैं लगाऊंगी। देखिए तो दोनों को लगाने का तरीका कैसे है वो मैं बताती हूँ। देखिए इसी जगह में मैं लगा रही हूँ और भी सब्जी इसी जगह में मैं लगाऊंगी, वो भी मैंने किचन से निकाली है। तो देखते रहिए कौन कौन सी सब्जी और हम लगा सकते हैं। तो मेरे पास कोई पॉट नहीं है अभी, और ये जो है ग्रो बैग है वो अभी खाली पड़ा है, देख सकते हैं इसमें मैंने सलाद पत्ता भी लगाई है और अभी जो है इतनी जगह बची है, तो इतनी जगह में हम लगा सकते हैं। आलू के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, वो तो मैंने आपको लगा के बताया है, लेकिन आलू के लिए हमें जो है अलग से ग्रो बैग चाहिए है, प्याज और सब्जी लगाने के लिए, तो मैं इसी ग्रो बैग में लगाऊंगी। तो देखिए मिट्टी को थोड़ा सा खोद लेना है, ये देखिए आलू को मुझे नहीं लगाना है, मैं हटा देती हूँ, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए आपको दिखाने के लिए मैंने आलू लगाया है, लेकिन मुझे आलू नहीं लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम जो है इस प्याज को लगाएंगे, पूरी हमें प्याज है, पूरी प्याज लगानी है, अंकुरित हो चुकी है, तो इसके लिए मैंने गड्ढा तो कर ही लिया है, ये देखिए है ना गड्ढा कर लिया है, और जो इसको मैं अब कवर कर दूंगी, इतना हल्का सा हिस्सा जो है हमें खाली रख लेना है, ये देखिए इस तरह से खाली रख लेना है और पूरा हमें जो है कवर कर देना है। ये देखिए तरीका क्या था, ये देखिए जिसमें अंकुरित नहीं है ये इसमें सिर्फ रूट रूट निकली हुई है, इसको कैसे लगाना है, तो इसको ऐसे लगाना है या ऐसे लगाना है किसी को पता नहीं होता है किस तरह से लगाना है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो जहां से रूट निकली हुई है वो वाला हिस्सा जो है हमें नीचे करना है, इस तरह से ये वाला हिस्सा नीचे करना है हमें, और इसको हमें ऐसे कवर कर देना है, इस तरह से हमें कवर कर देना है प्याज को, और ये वाली है देखिए इसको भी मैं नीचे कर दूंगी, क्योंकि जहां से हमारी रूठे निकली हुई है वहीं से तो लगा दूंगी। ये देखिए मैं दोनों प्याज यहीं पे, दोनों तीनों प्याज मैं यहीं पे लगा रही हूँ, तो देखिए इसको भी मैं यहीं पे लगा दूंगी, इस तरह से हमने जो है नीचे कर देना है, जहाँ पे रूट आई हुई है हल्की हल्की सी उसको नीचे कर देना है, और इस पे मिट्टी डाल देनी हल्की हल्की सी, ज्यादा मत दबाइए, साइड में जरूर दबा दीजिए, लेकिन जो ऊपर है ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी डाल दीजिए, ना डालेंगे तो भी हमारा जो है चल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको लगा देना है और बीच में से ये अंकुरित होती चली जाएगी, तो प्याज भी लग गई है। इसके बाद देखिए मैं क्या ग्रो करने वाली हूँ, ये देखिए ये मैं इसके लिए भी मैंने एक रुपए भी खर्च नहीं किया है, ये मैं अपने किचन से निकाल के लेके आई हूँ। तो देखिए बिल्कुल हम जो है, और मेरी एक और प्याज रह गई है, ये देखिए ये मेरी एक और प्याज है, इसको भी मैं लगा दूंगी यहीं पर लगा दूंगी, ये देखिए खोद के थोड़ा सा मैं सब चीजें यही लगाऊंगी, क्योंकि भाई जगह नहीं है बिल्कुल भी, पॉट नहीं है, आप उसमें लगा सकते हैं, मैं इसमें लगा रही है, देखिए साइड साइड से मैं इसको जो है
कवर कर दूंगी, है ना। खाली पोट है तो इसमें मेरी जो प्याज भी लग जाएगी और मेरे आलू भी लग जाएंगे और मेरी जो है और सब्जी भी लग जाएगी। तो मैंने और दूसरी सब्जी की बारी, तो दूसरी सब्जी हमने क्या लगानी है, तो देखिए ये है, मैं किचन से निकाल के लेके आई हूँ। एक रुपए भी मेरा इसमें जो है मैंने खरीदी नहीं है, सिर्फ किचन में थी, किचन से ही हम निकाल के अपनी सब्जियों को लगा सकते हैं। तो इसको भी मैं यहीं पर लगा रही हूँ। देखिए मैंने ज्यादातर सब्जियां यही लगाई है जो मैं बेसिक सब्जी लगाती हूँ, कि इसके लिए मैं खाली पोट नहीं लेती हूँ, मैं जो पोट के अंदर साइड में जगह रहती है मैं वहीं पर लगाती। और जो हमारी लहसुन है, लहसुन को कोई जो है ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए लगाना कैसे है लहसुन को, वो देख लीजिए। ये हमारी लहसुन है, देखिए ये हमारी लहसुन है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा जहाँ से इनकी जो है ग्रो होती है, ये हमें ऊपर रखना है और ये वाला हिस्सा नीचे रखना है। तो देखिए इस तरह पॉइंटेड वाला हिस्से को हमें ऊपर रखना है, ये पॉइंट वाला हिस्सा है इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है। तो इस तरह से हम लहसुन को भी लगा देंगे, देखिए इस तरह से हमने लगा देना है। और ये वाली भी है, अब मैं तीन चार लहसुन को यहीं पे साथ साथ, थोड़ा ज्यादा गैप नहीं करना है लहसुन को लगाने के लिए। देखिए ऐसे ही मैंने प्याज के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ा है यहाँ पे, अब लहसुन के लिए भी थोड़ा सा गैप मैं यहाँ छोड़ूंगी ताकि जो है ये ग्रो होगी तो अभी ये नीचे से फैलेगी। अभी तो मैंने एक ही कली लगाई है, आप और भी कलियां लगा सकते हैं। देखिए एक ये मैंने ले ली है, इसके लिए भी मैंने स्पेस छोड़ दिया है थोड़ा सा। तो इतना इतना स्पेस आप जरूर छोड़ दें, देखिए ये इतना इतना स्पेस मैंने छोड़ दिया है, तीनों कलियों को लगा दिया है, एक कली बच गई है, इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ इधर। ये देखिए एक कली मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, इधर लगा देती हूँ, थोड़ा सा गड्ढा कर लूँ। ये देखिए इस तरह से हमने ले ली है और हमने जो है लहसुन को इस तरह से लगा देना है। ये देखिए ये पॉइंटेड वाला हमने हिस्सा ऊपर करना है जहां से हमारी जो है यहाँ पे पत्तियां निकलेगी। इसकी लगाने के बाद हमें बहुत अच्छी सी पत्तियां मिलेगी, चटनी भी बना सकते हैं आप जो है, और पत्तियों को आप काट के सब्जी में डाल सकते हैं। इनकी पत्तियां निकलेगी, जैसे अभी ये ग्रो हो रही है प्याज तो इनकी पत्तियां निकलेगी, फिर हमें प्याज के फ्लावर भी मिलेंगे और जो है लहसुन की हमें पत्तियां मिलेगी। ये देखिए ये पानी दे रही हूँ मैं इस तरह से, इतना देना है कि हल्की हल्की सी गीली हो जाए मिट्टी। ये देखिए ठीक है, इतना एक बार हमने पानी दे दिया है। तो ये हमारी लग के तैयार हो गई है। कैसी लगी वीडियो, बिल्कुल फ्री में इन सब्जियों को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। नहीं लगाई है तो आप देर मत कीजिए, फटाफट से इन सब्जियों को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। वीडियो